हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम 100 मोटिवेशनल रील्स शॉर्ट्स वाली वीडियो बनाना सीखेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ऐसी रील्स और शॉर्ट्स से हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स अकाउंट्स ग्रो कर सकते हैं और लाखों फॉलोअर्स भी कमा सकते हैं और चैनल और फेसबुक पेज को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फ्रेंड्स 2-4 महीनों में। इसके लिए फ्रेंड्स हम यूज करेंगे सिर्फ 3 टूल। फर्स्ट है चैट जीपीटी, सेकंड हम लोग गूगल शीट्स यूज करेंगे। ओके, तो ये होती है गूगल शीट्स, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो गूगल शीट्स यूज करेंगे, थर्ड हम लोग यूज करेंगे कैनवा। ओके, तो ये 3 टूल हमने यूज करने, और कैनवा के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है बल्क क्रिएटर। इस ऑप्शन को यूज करके हम लोग बनाएंगे 100 रील्स सिर्फ 10 मिनट। इसके लिए हमें कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की भी जरूरत नहीं होगी। एक सिंपल वे में एक बिगनर लेवल का बंदा भी बहुत ही इजीली ये सब कर पाए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको मैं बताऊंगा, और वो भी बहुत ही इजी ढंग के साथ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर एंड में आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स इसे देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने इसे कहीं से भी स्किप नहीं करना है, और मेरी गारंटी है कि एंड तक आप इस प्रोसेस में एक्सपर्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 1। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम चैट जीपीटी ओपन करेंगे। आपको पता ही है कि ये हम सबका बहुत ही फेवरेट टूल है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी क्वेरी डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमें रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो यहीं से हम लोग मोटिवेशनल कोट्स लेंगे जो हम लोग अपने रील्स और फेसबुक बनाने के लिए यूज करें। तो यहाँ पर हमने सर्च करना है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखें और नोट करके रख लें। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, गिव मी 100 कोट्स अबाउट हार्डवर्क कॉमा मनी कॉमा सक्सेस एंड लाइफ। ठीक है, तो हमने ये अपने कीवर्ड्स दे दिए हैं कि हमें जो ये चाहिए कोर्स वो किन टॉपिक्स पर चाहिए, हार्डवर्क मनी सक्सेस एंड लाइफ। ओके, तो एक तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको क्या टॉपिक चाहिए। अब मान लीजिए आपने फिटनेस पर कोर्स लेने हैं, तो आप यहाँ पर फिटनेस लिख दीजिए। आपने लाइफस्टाइल पर लेने हैं, लाइफस्टाइल लिख दीजिए। आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज पर लेने हैं, तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज पर लें। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि विद ऑथर्स, कि जो ये हमारे कोर्स हैं तो उनके हमें ऑथर्स भी मिले। साथ में अब किस फॉर्मेट में चाहिए वो हमने इसको बता दी है, इन ए टेबल फॉर्मेट। ठीक, अब ये जो आपके कोर्स और ऑथर्स हैं वो हमें सेपरेट सेपरेट चाहिए, तो उसके लिए हमने लिख दिया है सेपरेटिंग द कोर्स। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना सर्च के लिए इसे कीवर्ड दे दिया है कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं, किस तरह से हमें आउटपुट चाहिए। तो आप भी इस तरह से टाइप कीजिए, बाकी आप अपने सर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर कीवर्ड्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि हमारे कोड्स जनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। कई बार होता है क्या फ्रेंड्स कि ये 100 कोड्स से पहले ही बंद कर देते। ओके, तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू विद द टेबल मेक इट 100 इस तरह से टाइप कर दीजिए, या आप यहाँ रीजनरेट रिस्पॉन्ड पर क्लिक कर दीजिए। ये फिर से दोबारा राइट करना स्टार्ट कर दे। तो ये काफी हो चुके हैं हमारे, बहुत है इतने वीडियो के लिए। ओके, बाकी मैं आपको सेकंड तरीका भी बता देता हूँ। एक तो हम यहाँ रीजनरेट रिस्पॉन्ड पर टाइप करके इनसे ले सकते हैं आउटपुट, और अगर आपने कंटिन्यू जनरेटिंग पर क्लिक कर देंगे फिर भी ये और कोड्स आपको लिख के दे देगा, नहीं तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए कंटिन्यू विद द टेबल मेक इट 100। ओके, तो अगर आपको पूरे 100 ना मिले तो इस तरह से ये आप 2-3 मेथड है इनके थ्रू और ज्यादा कोड्स लिखवा सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें कोड बना के दे दिए हैं और वो भी टेबल फॉर्मेट में। अब ये टेबल फॉर्मेट का हमें क्या बेनिफिट होगा वो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। इस टेबल में हमारे पास कोर्स हैं और एक साइड में ये देखिए, ये हमारे पास कोर्स हैं और ये टेबल के दूसरे पोर्शन में, दूसरे कॉलम में हमारे पास है ऑथर्स नेम। अब हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप पर, शीट्स पर। ओके, तो यहाँ पर गूगल शीट्स को ओपन कैसे करना है मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो ये हमने एक जैसे फर्स्ट टाइम क्रोम ओपन करते हैं तो इस तरह से ओपन होगा, वो दिखा दिया आपको। अब आपने जो ये हमें एप्स का, गूगल एप्स का आइकन शो हो रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, थोड़ा स्क्रोल डाउन कीजिए और आपको ये शीट्स का ऐप शो हो जाएगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम ये जो ब्लैंक स्प्रेडशीट शो हो रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी शीट्स बन चुकी। अब यहाँ पर आप फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे और उसके बाद आप फिर से जाएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी के अंदर हम अपने बिल्कुल स्टार्टिंग से जो ये हमारा कोर्स शो हो रहे हैं इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये ले लेता हूँ इतने, क्योंकि उससे फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपने ध्यान से क्या करना है कि जो ये टाइटल से लेकर जो लास्ट हमारा ऑथर नेम है यहाँ तक डाटे को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। फिर हमने शीट्स में जाके इसे पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद तो आपने फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फिर हम इसे कर लेंगे डबल क्लिक करके यहाँ पर एडजस्ट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड स्टेप की ओर। अब हम ओपन करेंगे canva.com और यहाँ पर सबसे पहले हम सर्च करेंगे मोबाइल वीडियो। आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए मोबाइल वीडियो, ओके। बाकी आपने यहाँ क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करके भी यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी भी अवेलेबल है हमारे पास, मोबाइल वीडियो भी अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पर फेसबुक पोस्ट भी अवेलेबल है और ये हमारे पास स्क्वायर में है इंस्टाग्राम की पोस्ट। तो जैसा साइज आपको चाहिए आप उस तरह का साइज सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो ये हमारा मोबाइल वीडियो होता है ये हमारे दोनों क्या तीनों जगह सेम यूज आ जाता है, आपका इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी और आपके यूट्यूब शॉर्ट्स में भी। तो ये जो हमें मोबाइल वीडियोस मिली है यहाँ से हम लोग अपने टेम्पलेट को, अपने डिजाइन को चूज कर लेंगे जैसा डिजाइन आपको चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर लीजिए जो आपको ज्यादा बढ़िया लगे। के बाद मैंने कस्टमाइज कर दिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा मेन स्टेप आ चुका है और जिसे आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और इसे सेम आपने फॉलो करना। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे बल्क क्रिएटर। तो आप यहाँ साइड बार में देखेंगे जैसे आपको शो हो रहा है मेरे पास यहाँ पर बल्क क्रिएटर का ऑप्शन ऑलरेडी है, बट अगर आपके कैनवा में यहाँ पर नहीं शो होता तो आपने एप्स पर क्लिक करना है। एप्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है बल्क, तो हम बल्क क्रिएट सर्च करेंगे। उसके बाद आपने ये बल्क क्रिएट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो ये बल्क क्रिएट का ऑप्शन होता है फर्स्ट ये अपने फ्री अकाउंट में नहीं अवेलेबल है, ये आपको प्रो अकाउंट में, एजुकेशनल अकाउंट में, टीम अकाउंट में या नॉन प्रॉफिट एनजीओस के लिए जो हम अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं उनमें ही मिलेगा। सेकंड क्या है कि जो अभी तक मोबाइल ऐप है वहां पर बल्क क्रिएटर का ऑप्शन काम नहीं करता है। अगर अपनी ऐप के अंदर आप देखोगे आपको ये शो हो जाएगा बट वहां पर डाटा कनेक्ट का ऑप्शन नहीं होगा, ओके। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। यहां पर जब हमने बल्क क्रिएट पर क्लिक किया हमारे पास ये दो ऑप्शन शो हो चुके हैं, एक तो क्या है अपलोड CSV। यहाँ पर जो आपकी शीट्स हैं अगर आपने इन्हें सेव करके रखा हुआ है एज ए CSV फाइल में तो उसे अपलोड कर दीजिए, बट ये पुराना, अब यहाँ कैनवा के अंदर नया अपडेट आ चुका है जिसके थ्रू आप डाटे को मैनुअली इंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये अपडेटेड जो नया अपडेट है वही शो करूंगा इस वीडियो के अंदर,
तो आपने यहाँ क्लिक करना है एंटर डाटा मैनुअली पर। यहाँ पर अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो कॉलम शो हो रहे हैं। इसे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो हमें एक ऑप्शन शो होगा क्लियर टेबल पर। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमने अपनी शीट्स के अंदर डाटा ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। अगर आपने नहीं कॉपी किया तो आप इसे फिर से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर ले आइए। जो ये फर्स्ट टेबल सॉरी सेल शो हो रहा है आपको, टी का मार्क यहाँ पर बना हुआ है, यहां पर आपने राइट क्लिक करना है और इसे पेस्ट कर देना है। फिर आपको कैनवा अलाउ के लिए पूछेगा कि जो क्लिपबोर्ड में डाटा है क्या उसे मैं अलाउ करूं कि वो कॉपी हो सके यहां पर, तो हमने यहां पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा ये डाटा यहां पर आ चुका है। तो एग्जांपल के लिए मैंने 10 लिए हैं, तो आपकी जितनी सर्च होगी, अगर 100 कोट्स विद ऑथर है तो आप उन्हें एक बार में बना सकते हैं, अगर 500 है तो 500 बना सकते हो। मैंने 10 इसलिए लिए कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और हमारा जल्दी जल्दी सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पर एक टेबल ज्यादा सिलेक्ट हो चुका है। वैसे चाहता तो मैं सिर्फ दो टेबल ही यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता था, बट मैंने जानबूझकर 3 सिलेक्ट किए हैं ताकि अगर गलती से किसी व्यूअर से ये 3 या 4 ज्यादा टेबल यहाँ पर ऐड हो जाए तो उसे कैसे रिमूव करें। तो जो ब्लैंक टेबल है इसकी टॉप रो पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारे दो कॉलम शो हो रहे हैं। अब हम स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ बॉटम में हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है डन का, आपने डन पर क्लिक कर दे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कोट्स आ चुके हैं और ये ऑथर आ चुका है। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है, हमने अपने डाटे को कनेक्ट करना है टेम्पलेट के साथ। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कोड पे टेम्पलेट के अंदर, जो हमारा कोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने जब क्लिक किया हमें ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपने ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने कनेक्ट डाटा पर क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ हार्डवर्क कोड्स पर क्लिक करना है, ठीक। और ये नीचे जो बॉटम में ऑथर नेम का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर ये वैसे चैनल का नेम है बट मैं आपको ऑथर नेम लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, फिर 3 डॉट्स पर क्लिक किया, फिर कनेक्ट डाटा पर क्लिक किया, फिर हमने यहाँ ऑथर्स पर क्लिक कर देना है। इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। और आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज कहां पर चाहिए। डाटा कनेक्ट कर चुके हैं, अब हम यहाँ क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। तो आपके 10 के 10 पेज यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, इन्हें आप मैनुअली भी एक बार रीचेक कर लीजिए। बाकी अगर इनमें से किसी पेज को आप कनेक्ट नहीं करना चाहते तो आप उसे अनसेलेक्ट कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए, तो वो आपका पेज जनरेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ सिलेक्ट ऑल पर करके 10 के 10 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने क्लिक कर देना जनरेट 10 पेजेस पर। तो आप देखोगे कि हमें 1 मिनट में कैनवा यहाँ पर 10 के 10 पेज जनरेट करके दे दे। तो अब अगर इसे हम प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर ये बन चुके हैं। अब ये जो 10 के 10 पेज हैं ये सारे यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं और यहाँ पर इस पर टाइप राइट इफेक्ट भी लगा हुआ है। बट अगर आप चाहते हो कि अगर यहाँ पर हमने कोई टाइमिंग वगैरह की कोई सेटिंग करनी है, कोई एनिमेशन करनी है, तो वो कैसे करनी है आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। अब फ्रेंड्स हमारे रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाहते हैं कि पहले जो ऑथर का हमारा कोड शो हो, फिर उसके बाद ऑथर का नेम शो। ओके, तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, जैसे मैंने कोड पर क्लिक किया, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और शो टाइमिंग पर क्लिक कर दूंगा। हमारे पास बहुत स्पेस है, हम दोनों चीजें इकट्ठा रख सकते हैं, बट मैं आपको सिखाने के लिए ये बता रहा हूं कि अगर आपने 2 चीजें शो करा रहे हो, आप चाहते हो कि पहले एक कंटेंट शो फिर वो डिसअपियर हो जाए और सेकंड कंटेंट उसके बाद आए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो आपने टाइमिंग शो कर ली है, तो हम अपने कोड को चाहते हैं कि वो लगभग 8 सेकंड तक रहे, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और टाइमिंग को एडजस्ट कर दीजिए यहाँ स्लाइड बार से। फिर इसी तरह से आप ऑथर पर क्लिक कीजिए और ऑथर को आप चाहते हैं कि ये लगभग 5 सेकंड के बाद यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो, ठीक। तो अब अगर मैं इसे प्ले करके एक बार चेक करता हूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहले हमारा ये कोड शो होगा, फिर उसके बाद हमारा ये ऑथर शो होगा, ठीक है फ्रेंड।
नेक्स्ट एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब अगर आप चाहते हो यहाँ पर म्यूजिक लगाना तो वो आप कैसे लगाएंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स के अंदर आप लोग यहाँ पर सर्च कर लोगे ऑडियो और इंटर प्रेस कर देंगे। अब आपको जिस तरह की भी ऑडियो चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो मैं कोई भी इस समय एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ऑडियो चाहिए वो आप यहाँ पर यूज कर लेना। ठीक है, तो ये हमने एक ऑडियो रख लेते हैं, सेकंड को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी ऑडियो भी लग चुकी है, ये इसके बाद हमारी टाइमिंग भी यहाँ पर हमने एडजस्ट कर ली है। ओके, तो ये ऑडियो के साथ हमारा यहाँ पर प्ले होगा, तो ये फर्स्ट 5 सेकंड में हमारा यहाँ पर कोड शो होगा और आफ्टर 5 सेकंड हमारा यहाँ पर ऑथर डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। फिर अब अगर हम यहाँ पर जनरेट पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हो चुकी है वीडियो, हमारे 10 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर आप इसे प्ले करेंगे तो ये आपका विद म्यूजिक यहाँ पर प्ले होगा। ठीक, अब ये जो 10 के 10 हमारे यहाँ पर टेम्पलेट हैं, पेजेस हैं, तो इन सभी पर बैकग्राउंड भी सेम है, ठीक है, म्यूजिक भी सेम है। अब अगर हम इन्हें चेंज करना चाहें तो आप जो पेज पर आप चेंज करना चाहते हैं आप उस पर डबल क्लिक कीजिए और वो पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद वो हम बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, एलिमेंट के अंदर हम लोग सर्च करेंगे बैकग्राउंड। आपने यहाँ पर अगर वीडियो लगाना है तो आप वीडियो सर्च कर लीजिए, अगर आपने सिंपल फोटो यूज करना है तो आप फोटो भी लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पर वीडियोस फोटोज दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस तरह के डाटे को आप यूज करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पर छोड़िए, फिर राइट क्लिक कीजिए और रिप्लेस बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जिस वीडियो पर आपने चेंज करना है बैकग्राउंड को आप उसे चेंज कर सकते हो। और सेकंड मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो चेंज करके दिखा देता हूँ जिसमें हम वीडियो यूज कर लेते हैं। अब इन्हें हम एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट जो हमने टेम्पलेट में बैकग्राउंड यूज की थी वो उसके साथ हो गया फर्स्ट पेज। ये सेकंड पेज जो हमने फोटो के साथ रिप्लेस किया हमारी बैकग्राउंड को, और यहाँ पर ये जो थर्ड पेज है यहाँ पर हमने बैकग्राउंड यूज कर ली एक वीडियो। ठीक है, तो जब आप इस तरह से एडिट कर लीजिए, इन्हें मॉडिफाई कर लीजिए, फिर आपको एक चीज और बता दूं मैं, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, कोट है, अब यहाँ पर अगर हमने कोई एनिमेशन या इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप जैसा अप्लाई करना चाहें इफेक्ट आप सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर चेंज करेंगे जैसा भी आप सिलेक्ट करना चाहे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और वो आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे कहने का मीनिंग क्या है, मैं आपको ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ कि जो ये हमने 10 पेजेस क्रिएट किए हैं बाद में भी अगर हमने इनमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए कि आप इन्हें ट्राई कीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई इश्यू क्रिएट होता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। अब लास्ट स्टेप रहेगा हमारा डाउनलोड के लिए, तो हमने यहाँ अपने जो ये 10 रील्स शॉर्ट्स हमने क्रिएट किए इनको डाउनलोड करते हैं। तो आपने यहाँ शेयर पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड पेजेस एज सेपरेट फाइल्स, अब अगर आप चाहते हैं कि आप इन 10 की 10 वीडियोस को पेजेस को सेपरेट वीडियोस के रूप में डाउनलोड करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को टिक कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये 10 की 10 फाइल्स अलग अलग डाउनलोड होंगी। बट अगर हम चाहते हैं कि एक वीडियो इकट्ठा बन जाए इन 10 के 10 का, तो आप इस टिक मार्क को हटा दीजिए, आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कीजिए, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड नहीं होता है, आप सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर अलग अलग करूंगा, तो मैंने इन पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारे सारे के सारे वीडियोस अलग अलग डाउनलोड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कि आप 10 मिनट से कम समय में भी 100 रील्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको
वीडियो बढ़िया लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, और जो नए व्यूवर्स चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ में अभी मोबाइल ऐप में ये फंक्शन, ये ऐप अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होती है मैं आपको वो वीडियो भी क्रिएट करके दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।